leads to question number 5th of exercise 10, that is trigonometric ratios. Question number 5th is, if cosec theta is root 10, हमें cosec theta की value दे रखी है root 10, right friends? आगे कह रहा है, find the value of t ratios of theta, हमें बाकी की t ratios theta की value निकालनी, तो हमारा क्या formula होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और cosec कहाँ आता था, यहाँ h upon p, तो ये आ गया h upon p. अब h क्या है, p क्या है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम अपना right triangle बनाएंगे. ये हो गया 90 degree angle और ये हो गया theta, और हमने इसका नाम रख दिया ABC triangle, right friends? अब ये क्या हुआ, जहाँ पे theta है वो base हुआ, उस थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुई और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हुई, राइट? अब हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है, लेकिन रूट के नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे. तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, हमारा रूट 10 अपॉन 1 था, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, सी ए, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी. तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, रूट 10 के, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 के, राइट? तो वेयर, ये लिख दीजिए, वेयर के इज पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव फिगर है, राइट? नाउ अब हमारा रूट 10 ए पता चल गया, सी ए है हमारा रूट 10 ए के, सॉरी ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर है हमारा 1 के. अब हमें बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच हमारा था रूट 10 के का होल स्क्वायर, P हमारा था 1 के का होल स्क्वायर, और हमें बेस निकालना था, राइट? रूट 10 के का होल स्क्वायर का मतलब है रूट 10 इनटू रूट 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट से रूट कट गया तो 10 आ गई, राइट? ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट से किया है. प्लीज आप मेरी स्क्वायर रूट वीडियोस क्लास 8 की देख सकते हैं, अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं आता है तो, राइट? 1 का स्क्वायर इज 1, 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? अब 10 के बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 10 के स्क्वायर माइनस, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो बी स्क्वायर कैसे आया, कितना आया, 9 के स्क्वायर. तो बी की वैल्यू कितनी हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 9 के स्क्वायर, दैट मीन्स 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और k स्क्वायर का मतलब k इंटू k, तो एक बार बाहर निकाल लिया तो ये आ गया 3k, राइट? तो बेस आ गया हमारा 3k, ये आ गया 3k. अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा सब निकालने, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था p अपॉन h. P क्या है हमारा, 1K, और H कितना है हमारा, रूट 10K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 10, राइट? नाउ हमें निकालना है cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, B अपॉन H, तो बेस कितना था, 3K, और H था रूट 10K, तो K से K कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 3 अपॉन रूट 10. नेक्स्ट आया 10 थीटा. 10 थीटा कितना था हमारा, p अपॉन b, तो p कितना था हमारा, 1k, और बेस कितना था, 3k, तो k से k कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 3. cot थीटा कितना आया, b अपॉन p, ये b अपॉन p, p अपॉन b सब यहां से लिख रही हूं, ये मैंने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आपको बताया हुआ है ये कैसे आया, राइट फ्रेंड्स? बी कितना था, 3k, पी कितना है, 1k, तो k से k कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3, राइट?
अब नाउ सेक थीटा, सेक थीटा कितना है, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है रूट 10 के, बेस है 3 के, तो के से के कैंसिल हुआ, रूट 10 अपॉन 3। नाउ लास्ट वन इज कॉसेक थीटा, वैसे तो हमें दिया हुआ है, नो नीड टू टेक इट आउट, बट फिर भी हम निकाल देते हैं, हाइपोटेन्यूज दे रखा है रूट 10 के, ये फिगर देखती जा रही हूँ और कर लिखती जा रही हूँ कि हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, राइट? तो परपेंडिकुलर था 1 के, तो के से के कैंसिल हुआ, तो ये आ गया रूट 10 इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।